नमस्ते, मैं अनीता बलगुर। अनीता बलगुर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे सलाद, जिसे बनाने के लिए मैंने केरी लिए दो, एक बीटरूट लिया है छोटा वाला, और अपन लेंगे ककड़ी, और इन सभी को मैं छील लूंगी। ककड़ी तो छील लो, कड़क हो तो छील लो, नहीं तो फिर नरम रही तो नहीं। और इस ककड़ी को पहले हम खाकर देखेंगे। कोई कोई ककड़ी है ना कड़ू होती है, तो कड़ू ककड़ी अगर लेंगे तो हमारा सलाद खराब हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले बनाने से पहले हम ककड़ी को थोड़ा सा ऐसा टुकड़ा काट कर उसको ऐसे घुमा लेंगे, कुछ भी नहीं निकल पाए, और इसको फिर थोड़ा सा काट लेंगे और देखेंगे कड़ू है या नहीं हमारी ककड़ी। नहीं, कड़ू नहीं है हमारी ककड़ी, वैसे ही मैं ये ककड़ी को काट लूंगी। और वैसे ही मैं आम को छील लूंगी। और हम आम को कट करेंगे टुकड़े, और इस आम को भी हम छील लेंगे और इसको भी काट लेंगे। काट लेंगे आगे और पीछे के भाग को मैं काट लूंगी उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े। कितने प्यारे हाथ हो गए, इसको रखेंगे साइड में। अभी मैं हाथ धोती पे लेता हूँ और ये बीट रूट को मैं ऐसे घिस लूंगी। दो प्याज लिए हैं मैंने, छोटे बड़े कोई भी प्याज ले सकते हैं। इसे काटेंगे हम इसे गोल, इसको हम ऐसे गोल गोल निकाल लेंगे।
और ये एक एक जो प्याज है उसको भी ऐसे छील देंगे। छील कर मैं इस प्याज को पीस लूंगी। ककड़ी के बीज को हम निकाल देंगे। और इसको भी हम किस लेंगे। और कुछ ककड़ी को हम ऐसे बीज निकाल कर ऐसे गोल गोल काट लेंगे, इसके रिंग काटेंगे हम ऐसे। एक मिक्सी जार लेंगे, मिक्सी जार में डालेंगे हम कटे हुए आम। और उसमें हम डालेंगे दो तीन हरी मिर्च को काट लेंगे, छोटे टुकड़े करेंगे। ये बड़ी वाली मिर्ची ज़्यादा टिकट नहीं होती है, इसलिए मैंने चार मिर्ची डाली है। फिर कम भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे धनिया, मुट्ठी भर धनिया, और 8-10 लहसुन की कलियां, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसमें हम डालेंगे कुछ पुदीना के पत्ते, थोड़े ही डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालें। और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा है, सादा नमक स्वाद अनुसार सभी चटनी का, और डाल देंगे हम काला नमक। और इन सबको हम पीस लेंगे। देखिए हमने बिना पानी डाले केरी की चटनी को तैयार किया है। इसको निकालेंगे हम एक बर्तन में। हम इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे ऐसी किसी हुई ककड़ी को, किसी हुई ककड़ी, किसा हुआ प्याज, इसको हम मिला देंगे।
और ये इनको भी काट डाल देंगे हम, जैसे गोल गोल प्याज काटे थे ना इनको भी, और इसमें ककड़ी को भी मिला देंगे, बीटरूट को भी मिला देंगे, सिर्फ इतना है कि बीटरूट में कलर आ जाएंगे और भी, या फिर बीटरूट के असर अपन कलर नहीं चाह रहे होंगे तो हम यही चटनी को बीटरूट में अलग मिला के खा सकते हैं। देखिए हमारा सलाद बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। आपको आज का सलाद बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।